हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अजय सिसोदिया है और आप देख रहे हैं डॉकर WSL। इस वीडियो का दोस्तों मतलब है कि हम डॉकर डेस्कटॉप को इंस्टॉल नहीं करना चाहते हैं अपने सिस्टम पर, विंडोज़ पे। सिर्फ मैं उबंटू का यूज करना चाहता हूँ WSL पर, उबंटू 22.04। मैंने यहाँ पर देखी, मैं पहले ही बताया था, मैंने यहाँ पर एक मेरा डॉक्यूमेंट है जो मैं यहाँ लिखता रहता हूँ कमांड्स। यहाँ से आप कॉपी पेस्ट करेंगे तो काफ़ी आसानी हो सकती है, तो मैं यहाँ से ही कॉपी पेस्ट करूँगा। इसको मैं सबसे नीचे वाला, देखो मैं इसको ढूंढ लेता हूँ, ये मैंने टेक्स्ट लिखा हुआ। तो हमें बार बार ये हमें डॉकर, दोस्तों मुझे कॉन्फ़िगरेशन इतनी सही नहीं है मेरी, 4 GB रैम है, तो डेस्कटॉप जरा थोड़ा परेशान कर रहा था, इसलिए मैंने डॉकर डेस्कटॉप को नहीं चाह रहा हूँ मैं प्रैक्टिस के लिए। स्पेशल मैं बिगनर है तो इससे भी काम चल सकता है। तो मैं यहाँ पर मैंने स्टेप्स लिख दिए, अगर आप कॉपी पेस्ट करें तो भी काम चल जाएगा, मैं डॉकर डेस्कटॉप को यूज नहीं करूंगा। तो यहाँ से देखिए, मैं कॉपी पेस्ट करूंगा एक एक कमांड को और यूज करूंगा। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, पहले इसको लिंक ओपन कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे WSL के लिए काम करना, WSL2 यूज करना है, तो मुझे कर्नल अपडेट करना पड़ेगा लिनक्स के लिए। तो मैंने पहले से डाउनलोड किया हुआ, इसलिए मैंने उसको क्लोज कर दिया है। तो मैं दिखाया था डाउनलोड में, मैंने पहले से डाउनलोड किया होता, अब बाकी की फाइल में हटा देता हूँ। तो देखिए WSL, और मैं इसको डबल क्लिक करके ओपन कर लेता हूँ WSL। तो ये कंप्लीट हो गया मेरा प्रोसेस, अब मैं आगे बढ़ता हूँ। यहाँ पर मैं सेट कर लेता हूँ WSL2, सेट डिफॉल्ट WS जो वर्जन है वो 2 सेट कर लेता हूँ। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर इस तरह का मैसेज आ रहा है, और उसके बाद मैं यहां से चलाऊंगा WSL start। तो आप देख पा रहे हैं नीचे लिखा हुआ डिफॉल्ट स्टेटस, सॉरी स्टेटस, डब्ल्यू स्टेटस देखो तो आपको दिखा देगा ये वर्जन 2 आ गया है, ठीक है, डिफॉल्ट वर्जन 2 आ गया। तो यहां मैं लिखता हूं WSL, और मैं यहां पर करना चाहूंगा लिस्ट देखना चाहूंगा, डेजर्ट लिस्ट और ऑनलाइन ऑनलाइन लिस्ट, कि यहाँ पर क्या क्या अवेलेबल है ऑनलाइन में। तो यहाँ तो सिर्फ उबंटू 22.04 LTS ही दिखा रहा है, लेकिन दोस्तों मैंने पहले से इंस्टॉल किया हुआ है उबंटू 22.04। तो मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर जा सकते हैं आप स्टोर में, माइक्रोसॉफ्ट स्टोर में जाएंगे, तो यहाँ पर कुछ इस तरह से टाइप करेंगे, नहीं दिखा रहा है वो WSL भी, चलिए मैं उबंटू टाइप कर लेता हूँ। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर वर्जन दिखाएगा कुछ उबंटू का, तो मैंने यहाँ से इंस्टॉल किया था पहले, तो कोई बात नहीं, आप यहां से भी कर सकते हैं। मैं दूसरा भी तरीका दिखाता हूं, आप डायरेक्ट जो है एक कमांड होता है आप उसके भी आप दे सकते हैं। तो मैंने इंस्टॉल किया, आप भी इंस्टॉल कर लीजिएगा, बस मैं इससे आगे बढ़ता हूं। तो मैं यहां आ जाता हूं अपने जो मेरा अजय की डायरेक्टरी में आ जाता हूँ यूजर की, तो मैं कैट करके जब देखता हूँ तो यहाँ पर देखिए पूरा इन्फॉर्मेशन दिखा रहा है 20.04 उबंटू पूरा वर्जन, यानी कि ठीक है ये, ठीक है ये देखिएगा, कैट करके मैंने दिखाया तो ये मुझे दिखा रहा है कि हमारे यहाँ पर इंस्टॉल्ड है पहले से, बस आपको वहाँ से इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद अब यहाँ से स्टेप हम आगे बढ़ेंगे, हमने वर्जन चेक कर लिया, फिर मैं एक स्टेप आगे बढ़ जाता हूँ, यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और इसको मैं कर लेता हूँ पेस्ट कमांड प्रॉम्प्ट, ठीक है। तो ये मैंने किया पेस्ट यहाँ पर, ठीक है। तो जब हम वो इंस्टॉल कर लेंगे, अब मैं यहाँ पर चलाता हूँ कमांड दिस वन गेट डॉकर डॉट sh। तो मैं सबसे पहले बता दूं दोस्तों, यहाँ पर मेरा यहाँ इस तरह से क्यों आ रहा है, मैं अजय के अंदर क्यों हूँ, क्योंकि मैंने उबंटू मैंने इंस्टॉल किया था, उसके बाद मैंने WSL मैंने टाइप किया, तो मैं अपने जो लिनक्स का था उसमें यहाँ पर मैं आ गया था, तो लिनक्स के उसमें मैं आ गया हूँ, तो इसलिए मुझे वहाँ पर ग्रीन कलर का ऊपर देख रहे हैं अजय, ठीक है। तो मैं उसके अंदर और यहां पर ही मैं सारे कमांड चला रहा हूं एक एक करके, तो देख पा रहे हैं आप sudo sh और get dash docker dash sh। तो सबसे पहले आपने उबंटू को इंस्टॉल किया W, ठीक है ना, उसके बाद फिर आप उसके अंदर एंटर किया, आपने सिर्फ WSL टाइप करना है और आप उसके अंदर आ जाएंगे, उसके बाद ये सारे कमांड चल रहे हैं, ये ध्यान रहे, क्योंकि हमें यूजर के अंदर आना है ना, ठीक है। ऊपर देख रहे हैं ना ग्रीन कलर का उबंटू मेरे पास था पहले से, आप इंस्टॉल कर ही लेंगे,
स्टोर से, उसके बाद हम फिर डब्ल्यू एस एल लिखेंगे तो डिफॉल्ट हमारा उबंटू 22.04 ही है, तो वो ऑटोमेटिकली वो अपने आप को यहाँ पर ला देगा अंदर, जो भी आप जिस नाम से भी आप उसकी प्रोफाइल बनाएंगे, जब वो इंस्टॉल करेगा या कुछ तो आपसे पूछेगा, उसमें यूजर नेम और पासवर्ड पूछेगा, आप वो डाल देंगे, तो उसी वहाँ आने के बाद आप ये सारे कमांड चला दें एक एक करके, तो कर्ल डैश एफ एस एस, तो ये वाला कमांड चलाएंगे आप, कैट डॉकर डॉट एस एच। तो बस ये स्टेप बाय स्टेप मैंने दोस्तों यहाँ पर लिख दिया है, अगर आप ये स्टेप बाय स्टेप कमांड चलाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मेरे जो सिस्टम है इस समय विंडोज 10 तो मैं यूज कर रहा हूँ और बिल्ड यूज कर रहा हूँ मैं, बिल्ड भी मेरा लेटेस्ट है वैसे तो, और 64 बिट है सिस्टम है मेरा, आर्किटेक्चर मेरा होगा x86 हो सकता है। चलिए मैं फिर भी मैंने आपको कुछ बता दिया, अब मैं ये कमांड चलाता हूँ यूजर, ठीक है ये कमांड अभी आप देख चुके होंगे काफ़ी वीडियोस में, ये पहले भी बता चुका हूँ उस इसमें आपको ये आता होगा, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप करके मैंने देखिए ये कमांड चला लिया, ठीक है। उसके बाद मैंने डोकर कंपोज प्लगइन भी पहले यूज कर लिया है, वेरी गुड। मैं वर्जन चेक करूँगा, क्लियर करूँगा, वर्जन चेक करूँगा तो डॉकर वर्जन दिखा रहा है, बिल्कुल ठीक। अब मैं चेक करने वाला हूँ डॉकर जो कंपोज वर्जन है उसको, पहले इन्फॉर्मेशन देख लेता हूँ डॉकर की। कंपोज वर्जन के लिए मैं डॉक्यूमेंट में जाएगा तो यहाँ भी मिल जाएगा, मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स में भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो मैंने आपको दोनों चीज़ दिखा दी है, डॉक्यूमेंट से भी ले सकते हैं, कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, और मैं खुद अपने डॉक्यूमेंट जो दिखा रहा था मैं गिटहब पर वहाँ भी है। तो मैं ये इंस्टॉल किया कंपोज, अब आप देख सकते हैं इसमें डॉकर कंपोज में चेक करके दिखाता हूँ आपको वर्जन, डॉकर कंपोज वर्जन यहाँ पर आ गया, डॉकर कंपोज वर्जन ओके, यहाँ हमारा कंप्लीट हो गया। अब मैं डॉकर को स्टार्ट करूंगा, इस तरह की एरर क्यों दिखा रहा है, क्योंकि अभी डॉकर हमारा स्टॉप है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ डॉकर, लिखा देता हूँ मैं डॉकर सिस्टम सीटीएल स्टार्ट डॉकर, ये कमांड चला, ये नहीं चलेगा। तो मैं आपको लिख कर दिखाता हूँ सूडो सर्विस डॉकर और सूडो सर्विस डो, ठीक है डॉकर स्टार्ट, तो इस तरह से स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर सब आपको स्टेप बाय स्टेप दे दूंगा सब चीज़ें लिख कर, अगर इसमें एक आध बिसी को उसको भी मैं ठीक कर दूंगा जब तक आप इसको ओपन करेंगे। तो देखिए यहाँ पर सर्विस स्टार्ट हुई नहीं हुई देखते हैं, यहाँ पर लिखता हूँ सूडो अपडेट, एक कमांड और चलाना है मुझे, तो यहाँ जो टेबल शो कर रहा है मुझे यहाँ पर चेंज करनी होगी वैल्यू, मुझे यहाँ पर वन सेलेक्ट करना होगा क्योंकि मैं मैनुअल चाहता हूँ, ऑटो नहीं चाहता हूँ, ठीक है। तो मैनुअल क्योंकि मुझे स्टॉप भी करना पड़ सकता है, तो इसको हम कभी भी चेंज कर सकते हैं। नीचे वाली चीजें आप ध्यान मत दीजिएगा, अब ये आपका यहाँ तक काम खत्म हो गया, मैं यहाँ पर वन टाइप कर लेता हूँ और फिनिश्ड बस, ठीक है। तो यहाँ सर्विस डॉकर स्टार्ट मैंने की, देखो ओके आ गया, सर्विस स्टार्ट होगी, सर्विस को सॉरी स्टार्ट हो गया। स्टेटस कैसे देखेंगे, इस तरह देखेंगे, डॉकर रनिंग दिखा रहा है, इसी तरह सर्विस स्टॉप कर लेंगे, स्टेटस की जगह आप स्टॉप लिख देना, ठीक है। देखो ये काम नहीं करेगा, वैसे भी स्टार्ट है हमारा, ये कैसे काम करेगा, स्टार्ट तो है ही पहले से, तो ये आपको यूज करना है जब भी डॉकर यूज करेंगे, सूडो सर्विस डॉकर स्टार्ट, स्टार्ट हो गया। उसके बाद सूडो इमेजेस, बिल्कुल ठीक कमांड चल रही है दोस्तों। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इस तरह के वीडियोस, इस तरह के जो कंटेंट हम लाते रहे आपके लिए, बिल्कुल ठीक चला। अब मुझे डॉकर की है जरूरत नहीं, डॉकर मैंने इंस्टॉल किया था, डॉकर डेस्कटॉप, बहुत ज़्यादा परेशानी हो गई थी क्योंकि मेरे पास 4 GB रैम है, तो वो बिल्कुल लैपटॉप ही मेरा गर्म हो जाता था, वो चलता था। अब देखिए मैं यहाँ पर दिखाया था कैसे इमेज पुल करेंगे, इस वीडियो का मकसद यही था कि अभी मैंने इससे पहले वीडियो बनाए थे डॉकर डेस्कटॉप पर, तो मैं अब यहाँ बता रहा हूँ कि बिना डॉकर डेस्कटॉप के प्रैक्टिस कैसे करेंगे आप। अगर आप बाद में लिनक्स वर्जन पर तो आपको जाना ही है, तो आपको ये मेरे हिसाब से उचित रहेगा इसको करें, कमांड लाइन का यूज करना बहुत जरूरी है। और यहाँ इस तरह से आप जो भी चाहे आप इमेज डाउनलोड कर सकते हैं, और इमेज कैसे देखेंगे डॉकर, ये आपको पता है,
डॉकर इमेजेस, तो ये सब आपने किया हुआ इसकी कोई, बस सिंपल यही था कि बिना विदाउट डॉकर के आप कैसे डेस्कटॉप डॉकर डेस्कटॉप के आप इसको इंस्टॉल करेंगे अपने विंडो में। तो यहाँ दोस्तों हमारा वीडियो खत्म हो जाता है, आप चाहे तो यहाँ से स्किप कर सकते हैं वीडियो, और आपने इतना कीमती समय निकाला वीडियो के लिए, बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच, और थोड़ा म्यूजिक का मजा लीजिए।